हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लिप जो है मंडे का है, जिस दिन हमारे यहाँ पे जीतिया का त्यौहार होता है, तो काफ़ी लोग जानते होंगे जीतिया क्या होता है। तो उसी का दिन का क्लिप था, तो नहाए खाए के दिन का, और अभी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था। ज़्यादा हवा भी आ रहा है ना, मैं जब भी वीडियो लेती हूँ ना, ये लेने नहीं देती। ले और लाइट ना वीडियो में कट गया है, और बहुत तेज ना हवा चल रहा है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, जितने भी छोटे छोटे डिब्बे थे ना, इन सारे डिब्बों को मैंने धो दिया था। और अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी मैं शाम का खाना बना रही थी, तो अभी ये जो है सारा डिब्बों को ये सही से अभी रख दे रहे हैं, ढक्कन बंद कर करके पोछ पोछ के इनको सारे जो है रख देंगे। और इनका आप लोग पूछ रहे थे ना, इनका काम जो है नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बोले हैं दुर्गा पूजा के बाद से मतलब जो काम में लगा है तो वो स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से अभी ना आप लोग घर में ही देख रहे हैं इनको, और मेरे कामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं कोई भी काम में। और इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, तो जीतिया का ना आज जो है उपवास था, तो वही मैं अभी उपवास रखी थी। और यहाँ पे बच्चों का नाश्ता भी मैंने बना दिया था, तो नाश्ते में ये देखिए मैं रोटी बनाई हूँ सिंपल वाली, और आलू और परवल की मैं भुजिया बनाई थी। तो बस अभी मैं बच्चों को दे देती हूँ बना के खाने के लिए। और अभी ना बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे लंच नहीं होता है, और मतलब 3-3.5 घंटे में ना छुट्टी हो जाता है बच्चों का। तो फिर खा के जाते हैं ना एक बार, फिर आके खाना खाते हैं डायरेक्ट। तो इसी वजह से मैं बच्चों को लंच जो है अभी नहीं दे रही हूँ। तो ये देखिए अभी नाश्ता बन गया है, अभी मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ खाना, और तैयार भी हो गए हैं, अभी चले भी गए हैं स्कूल। और ये देखिए मैं अभी बाकी का काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा जितना भी काम है वो सारा काम कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा हुआ है ना, वो सारा जो है ठीक करना है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी सामान इधर उधर जो है पड़ा हुआ है, तो एक एक करके ठीक कर रहे हैं सारा सामान, कहाँ क्या रखना है कहाँ क्या नहीं, तो वो है। और यहाँ पे ना एक भी रेक वगैरह ना एक भी नहीं है, ना तो दोनों रूम में है ना किचन में है, कहीं पे नहीं है। तो ये सिंपल जो है ये प्लेट बना हुआ है, कोई रेक वगैरह नहीं। तो ये था, और यहाँ पे ये देखिए मैं सारा काम कर लेती हूँ। इसके बाद जो अभी ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है, तो अभी ये नहा लिए थे, और नहा के ना जो मंदिर था हमारा, तो मंदिर सेट करना है। तो अभी सोच रहे थे हम लोग किस साइड रखेंगे, तो हॉल में ही रखेंगे मंदिर को, और ये जो फ्रिज रखा हुआ है ना उधर ही रखेंगे। तो अभी देखिए अभी आए थे यहाँ पे फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे जो हमारा मंदिर है ना थोड़ा सा जो है टूट गया है थोड़ा सा मतलब लाने में, और वो निकल गया है जो ऊपर का जो मैंने नट दिखाई थी सुबह वो, तो अभी ठीक कराने के लिए आए हैं। ठीक करा लेंगे, और पॉलिश कराएंगे या पेंट, देखते हैं मिस्त्री कैसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं मंदिर कितना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा। इस तरीके का मतलब बड़ा वाला जो मंदिर है ना, मेरा कभी अपना घर होगा ना तब जो है मैं बड़ा सा मंदिर अच्छे डिजाइन से जो है बनवाऊंगी। अभी तो फिलहाल इसी को ठीक करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहा है मंदिर जो है बना हुआ है ये सब। ये वाला वो नहीं लगेगा। तो कल के बाद ना एक ही बार जो है मैं आज मिल रही हूँ, और आज है ट्यूसडे, और यहाँ पे डुकू बैठा है, ये देख रहा है अपना कार्टून।
और आज है ट्यूसडे और आज ना मेरा फास्ट है। आज हम लोग की तरफ ना सासू माँ सब जो है आज फास्ट रखे हुए हैं जूतिया का, तो मैंने भी फास्ट रखा हुआ है। वैसे कैलेंडर के हिसाब से ना कल है फास्ट और आज है मतलब नहाए खाए वाला। चलो करो बंद कर दे तुम। क्या बंद हो गया? बंद हो गया। तो ये है आज मेरा फास्ट है और कल हम लोग मार्केट से आए ना तो लगा दो काकू, मैं तो तब देख लेना। चलो होगा तब ना एक। और कल मार्केट से आने के बाद ना कुछ भी जो है वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो काफ़ी मतलब रात हो गया था। काफ़ी सारे सामान वगैरह लेना था, जैसे कि कटन्स लगाना है ना, तो रिंग लेने के लिए मतलब काफ़ी सारे सामान लेने थे। तो फिर शाम हो गया आते आते और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं की, डायरेक्ट आके खाना वगैरह जो है बनाए बच्चों के लिए, फिर जो है सो गए। फिर कल कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो जो हमने मंदिर दिया था ना कल बनने के लिए, तो आज जो है वो लाएंगे, तो बोले एक दिन का टाइम लेंगे फिर देंगे। तो बस अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना और सुबह से ना मेरा झाड़ू पोछा जो है सारा काम हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ खाना बच्चों के लिए। तो सुबह नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को खिला दी थी और फिर अभी गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से, जब तक मेरा खाना बन जाएगा। और अभी कपड़े वगैरह भी एक बार में मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े धो के अभी मैंने सुखा दिया है। तो आप हम लोग के वहाँ पे क्या होता था ना दिल्ली में, एक रहता था काम कम होता था तो फटाफट काम हो जाता था, यहाँ पे मतलब ज़्यादा रूम ज़्यादा घर की सफाई तो काफ़ी ज़्यादा, फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लगभग 15-20 मिनट में सारा काम जो है हो जाता है। तो अभी लग रहा है नया नया कि ज़्यादा काम हो गया है ज़्यादा, पर ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ही काम है। और ये दरवाज़ों में ना पेंट नहीं हुआ है, तो हमने उनको बोला था जो मकान मालिक है दरवाज़ों में पेंट करवाने के लिए, तो फिर वो अभी बोले कि एक ही बार, उनका 2-3 रूम है यहाँ पे, तो बोले कि एक ही बार करवाएंगे पेंट, तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना। यहाँ से जो है यहाँ से डायरेक्ट इस रूम से डायरेक्ट कर्टन्स लगा देंगे। और यहाँ पे लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक लगाएं, इस हॉल में समझ में नहीं आ रहा है। और फ्रिज जो है हमने यहाँ पर रख दिया है किचन के इस साइड, क्योंकि यहाँ पे अगर रखते थे ना किचन की यहाँ से, तो फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा इतना दूर तक थोड़ा फ्रिज हमारा ना बड़ा है तो यहाँ तक आ जाता है, तो फिर इधर जाने में थोड़ा सा रास्ता कम बचता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे रख दिया फ्रिज। यहाँ पे अभी ये देखिए, कोई ना मुझे पूछे थे कि आपके भाभी के मायके से जो है कैसा साड़ी मिला है वो दिखाइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये साड़ी है और ये पेटीकोट है और इसके साथ जो है पैंट का कपड़ा है, तो ये वाले साड़ी था। और ये मेहरून कलर का ये साड़ी था, इसमें ना गोल्डन कलर का जो है ये बॉर्डर दिया हुआ था, तो अच्छा था रेगुलर पहनने के लिए, काफ़ी अच्छा था ये साड़ी। और हाँ, आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप कहाँ रहते हो, कौन सा शहर में, कौन सा स्टेट में, तो हम लोग ना झारखंड में रहते हैं। तो पहले दिल्ली में रहते थे और आप जो है झारखंड में आ गए हैं, तो यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि हम यहाँ से ना मेरा ससुराल जो है पास में पड़ता है, इसी वजह से। फिर मेरे और देवरानी जेठानी नहीं है तो अकेले मैं ही हूँ, तो फिर इस घर में भी देखना पड़ता है, इसी वजह से ना हम लोग जो है झारखंड में आ गए और दिल्ली से झारखंड आ गए। तो काफ़ी सारे आप सबके कमेंट आ रहे थे कि दी आप दिल्ली से क्यों आ गए, तो कोई और रीज़न नहीं, बस यही था। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड का जैसे कि काम वगैरह नहीं चलता था रेगुलर, और लॉकडाउन में काफ़ी सारा मतलब हम लोग को काम ज़्यादा इनको नहीं मिला था लॉकडाउन के टाइम, इसी वजह से हम लोग इधर आ गए। और इधर गांव तरफ रहेंगे तो कुछ काम भी कर सकते हैं घर पे, और इधर तो
जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो काम बहुत सारा लग सकता है। तो ये था, और ये थी मेरी भाभी के मायके से जो इन्होंने दिया था साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा।